मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा सूचना और संप्रेषण, जिसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीक में नवीन विकास। ये हमारा पार्ट टू है। पूर्व की कक्षा में भी हमने इसी का अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि सूचना संप्रेषण तकनीक में क्या क्या नए विकास हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आज वर्तमान समय में व्यक्ति हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग करता जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य शीघ्र तरह से होने लग रहे हैं। जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, जिसमें पहला पॉइंट था समय की बचत। इस प्रकार व्यक्ति का समय की बचत होती है, क्योंकि वह कंप्यूटर के माध्यम से सभी चीज़ों को करने लग जाता है। क्योंकि आज तक हम देखते हैं सभी ने हाथ से कार्य करना बंद कर दिया है, सभी कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी जो भी आंकड़े होते हैं उनको वो शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। कुछ भी फाइल बनानी होती है तो कंप्यूटर के माध्यम से अति शीघ्र बनने लग जाते हैं। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट था शीघ्र वैश्विक सूचना। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें विदेश से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी है या हमें हमारी को सूचनाएं वहां तक पहुंचानी है, तो कि हम इंटरनेट के माध्यम से अति शीघ्र पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो कि हम देखें तो पूरे विदेश की जो भी सूचनाएं हैं उसे हम कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं। मैंने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाया था मानव शक्ति की बचत। इसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि इसमें व्यक्ति अगर मान ले कोई शिक्षा विभाग है, वहाँ पुलिस कार्यालय में अनेक अवलोकन करने के लिए बड़े बड़े अवसर आते हैं जिनको हमें कई प्रकार के रिकॉर्ड दिखाने होते हैं। अगर वही रिकॉर्ड हम कंप्यूटर बना के रखें तो वो कार्य शीघ्रता से हो जाता है और किसी व्यक्ति का बायोडाटा निकाल सकते हैं, पूरी हम उसका अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं, जिससे मानव शक्ति की बचत में लग जाती है। अब जो आज हम जो पॉइंट का अध्ययन करेंगे वो पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसके अंदर हम देखते हैं कि सूचना संप्रेषण तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो रहा है, क्योंकि इस तरह हम देखें तो किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति का कम समय लगता है। क्या लग रहा है? कम समय। क्योंकि आज का व्यक्ति कम समय में होने वाले जो तरीके हैं उसको अपनाना चाहता है। इसके अंदर देखे तो एक शिक्षक भी क्या करता है, शिक्षण अभिगम देखते हैं कि शिक्षक भी क्या करता है। शिक्षा अधिगम में होने वाली जो प्रक्रिया जो विधि होती है उसकी खोज भी करता है, क्योंकि शिक्षक भी चाहता है कि मैं छात्रों को इस प्रकार से शिक्षण कार्य कराऊं जो कि सरल हो, सटीक हो, ज्यादा उसे पढ़ाना ना पड़े। तो शिक्षक भी क्या करता है, शिक्षा अधिगम होने जैसे अधिगम की जो प्रक्रिया है या सामग्री है उसको वह कम छोटी चीजों को खोजता है जहाँ पर उसके उसे कम समय लगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें भी हम देखें तो विभिन्न सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये जो सब है वो मानव की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने है। क्योंकि इसमें हम देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अधिक विकास हो रहा है, जिससे जो व्यक्ति है नई नई खोजों की ओर बढ़ रहे हैं,
अपने नए नए तरीकों को अपना रहे हैं और शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि छात्रों को शिक्षण कार्य शीघ्र समझ में आता है और उसे नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षण कार्य कराने में शिक्षक को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम नेक्स्ट पेन पॉइंट देखते हैं। विशेषताएं ये इनका व्यापक विशेषताएं एवं इनका व्यापक उपयोग। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कंप्यूटर के विविध स्वरूप। अगर हम देखें तो कंप्यूटर के विविध जो स्वरूप है वह हमें देखने को मिलते हैं। कैसे? क्योंकि कंप्यूटर का जो उपयोग है वह हम विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र में देखने को मिलता। क्योंकि हम देखते हैं कंप्यूटर का विभिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं, क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि कंप्यूटर का केवल एक ही जगह उपयोग किया जा रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि कंप्यूटर का हम विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में उपयोग करते हैं, तकनीकी क्षेत्र में करते हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जिसके साथ साथ हम देखते हैं जो उसकी प्रगति है वह क्या हो रही है, व्यापक होती चली जा रही है। व्यापक होती चली जा रही है। इसके साथ साथ जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उसको भी इंटरनेट पर डाल दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को अनुसंधान को उसके सर्च मार कर उसका अध्ययन कर पाए। ये था उपकरणों की विशेषता और इनका व्यापक उपयोग। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है संप्रेषण तकनीकी में नवीन विकास
सूचना संप्रेषण में नवीन विकास को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट